प्रदेश में मंत्री और आईएएस लोबी के बीच विवाद गरमा गया है। मंत्री रमेश मीणा की ओर से कलेक्टर भगवती प्रसाद को बीकानेर के एक कार्यक्रम में फटकार लगाने के बाद आईएएस लोबी ने कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि आईएएस लोबी के तलख होते सर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही पूरे मामले में पटाक्षेप करने लगे, जिसके बाद मंत्री रमेश मीणा ने पूरे मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। मतलब है आईएएस से रहे विवाद सरकार के शुभ साबित नहीं हुए। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव के दौरान ब्यूरो केसी से विवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए शो साबित नहीं होता और अगली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है। इसमें जो घटना हुई है, कुछ लोगों ने या जो भी है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिस प्रकार के बयान मैंने आज पढ़े, तो सबसे पहले जहाँ पर चर्चा हो रही थी राजीव का कि संवाद हो रहा था, वहाँ पर मैंने कलेक्टर को चार पांच बार इशारा किया कि भाई जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब इनको सपोर्ट चाहिए और गरीब के लिए जो काम की बात हो रही थी उनकी योजनाओं की, उनके बारे में यदि उससे इम्पोर्टेंट कोई बात है, कलेक्टर है उसके पास सभी तरह के फोन आते हैं, तो फोन पर बात कि भाई हमारी मंत्री कलेक्टर से पूछ रहा है और सवाल का जवाब कलेक्टर नहीं दे रहा है, तो हमने कहा बाहर जाइए। तो ऐसी तो कोई विशेष बात थी नहीं कि जिस प्रकार इसको तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने पेश किया है, हमारा वीडियो भी है वहां का, कुछ लोगों